10 साल का जेल और 7 लाख रुपए फाइन, ये है क्या? ये देखिए रोड पे सोया हुआ, देख लीजिए। आप इस सीट पर बैठ के देख लो कि भाई साहब गाड़ी दिखाई दे रही या नहीं दे रही। ये तो गलती आप लोगों की, नहीं हमारी गलती। ऐसे ट्रक के पीछे जा रहा है, देखो ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, देख लो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इन सरफिरों की वजह से ड्राइवरों के मन में इतना खौफ, ऊपर से सरकार की 10 साल की सजा की लटकती तलवार। तिथून उठून आला तो इकडे घ्यान त्याची गाडी, पुढे गाडी त्याची। हँडब्रेक टाका, हँडब्रेक टाका, हँडब्रेक। लोक उतरा द्यायला म्हणा तुम्हाला जावं लागत नाही। गाडीचा फोटो घेऊन घेतो, महाराष्ट्र का एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बीच रोड पर एक बाइक खड़ी है और साथ में एक व्यक्ति बाइक के साथ रोड पर लेटा हुआ है। बस के अंदर से ये वीडियो बनाई गई है और ये बस जाने के लिए राह ढूंढ रही है। आप देखेंगे कि कुछ लोग भी यहाँ इस बाइक वाले शख्स के पास आते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठता। फिर बस वाला बस को थोड़ा पीछे लेता है तो वो शख्स बस वाले पर गुस्सा दिखाते हुए थोड़ा और आगे आकर बस के एकदम नीचे लेट जाता है और अपना सिर बस के टायर के नीचे रख देता है। कोई अकेला ऐसा वीडियो नहीं है, ऐसे और कई वीडियोस हैं। इस वीडियो में तो वहाँ खड़े लोगों ने इस शख्स को बस के नीचे से खींच कर निकाल दिया और बस को आगे बढ़वा दिया, पर अगर गाड़ी में ही कोई तकनीकी खराबी आ जाती तो ड्राइवर को लेने के देने पड़ जाते। ऐसे ही कई वीडियोस हैं जहां ऐसे सरफिरे लोग गाड़ियों के आगे आकर ऐसी हरकतें करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ड्राइवर्स तो ट्रक के बिल्कुल पीछे सटाकर बाइक चलाते हैं, जिससे हादसों की उम्मीद अक्सर ज्यादा रहती है। अब आप इन्हीं कुछ वीडियोस में देख लीजिए जहां एक व्यक्ति शराब पीकर बीच सड़क पर सो रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं उठ रहा। देख रहे हैं आप, इसके लिए हो रहा है अब लफड़ा, ठीक है ना? अब इसी के लिए लफड़ा हो रहा है। आप बोलेंगे ड्राइवर का लिए 7 लाख रुपए और 10 साल का जेल, ये इसी वजह से होता है ड्राइवर का 10 साल का जेल और 7 लाख रुपए फाइन, ये है क्या? ये देखिए रोड पे सोया हुआ, देख लीजिए। ऐसे देख लीजिए, ये रोड पे सोया हुआ देख लीजिए। भाई साहब, बड़े भाई साहब, आप एक मिनट मेरी सीट बैठ के आप ये देख लो कि आपका इधर कितना दिखा रहा है। आप सीट बैठ के देख लो, आप गाड़ी नहीं दिखाई देगी। ये आप इस सीट पर बैठ के देख लो कि भाई साहब गाड़ी दिखाई दे रही या नहीं दे रही। आप ये बताइए, एक रॉन्ग साइड आप, हम बिल्कुल सटाक, बिल्कुल हम बढ़ा नहीं रहे, बिल्कुल स्लो स्लो बढ़ा रहे, मैं कोई स्पीड में था या आप गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी। आप ये बताइए, आप क्या देखिए पहले मेरी गाड़ी कितनी बैठी है। आप सीट बैठ देखिए, हम आप बताओगे सब करेंगे। ये तो गलती आप लोगों की, नहीं हमारी गलती। आपकी गाड़ी का देखिए कितनी टेढ़ी खड़ी है भाई साहब, ये देखिए। आप और आगे निकल और काट देंगे हैं, आप ये देखिए भाई साहब। वो तो अभी रुक जाए एक मिनट, तो मैं देखूँगा, बुला ले तो पॉइंट बुलाओ जी। भाई साहब बुलाएंगे तो ना, हम कंपनी देना पड़ेगा क्या? कंपनी को मुझे कुछ देना पड़ेगा, कंपनी को कुछ सबूत देना पड़ेगा। मेरे सबूत, आप तो आपकी गाड़ी खुद की है, मैं तो एक नौकर हूँ भाई साहब। अभी नौकर है, बुला लीजिए, उठो जाएगी क्या?
कैसे होगी? देखो ऐसे ट्रक के पीछे जा रहा है, देखो ब्रेक मारेगा तो क्या होगा? देखो यही बोलते हैं कानून, 10 साल का सजा, 5 लाख रुपये दे दे। देखो जरा पूरा सत्य जा रहा है, देखो कितना सटके जा रहा है, थोड़ा सा ब्रेक मारेगा अंदर घुस जाएगा। देखिए कितना लापरवाही से चल रहा है टू व्हीलर वाला, देखिए जरा देखिए। अमित शाह बोलता है 10 साल का सजा, 5 लाख रुपया जुर्माना। देखो वो ट्रक वाला अपना लाइन में चल रहा है, अरे मोटरसाइकिल वाला देखिए पूरा सट के चल रहा है, पीछे से आ रहे हैं, करीब लगता है 1 किलो 1.5 किलोमीटर पीछे से मैं देखते आ रहा हूँ उसको। फिर लास्ट में मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर छोड़ते हैं। किस तरीका से जा रहा है देखिए, देखिए। तो ये कानून क्या ऐसे सरफिरों की गलतियों की माफी के लिए बना है या ड्राइवरों की आत्महत्या के लिए? इस पर आपका क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।